देशभर के साथ साथ ताज नगरी में भी भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को धूमधाम के साथ मनाया गया। जन्माष्टमी पर खंडारी क्षेत्र के लक्ष्मी नारायण मंदिर में भक्तजनों ने देर रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण के जन्म होने की खुशियों में भाग लिया। विश्व भर के साथ ताजनगरी में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। जन्माष्टमी पर खंडारी क्षेत्र के लक्ष्मी नारायण मंदिर में भक्तजनों ने देर रात्रि 12 बजे भगवान श्री कृष्ण के जन्म होने की खुशियों में भाग लिया। इस दौरान भक्तजनों ने लड्डू गोपाल के पाले को छुड़ाकर धर्म लाभ लिया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर बम्बई वाली बगीची स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर को बम्बई वाले परिवार से जुड़े लोगों ने भव्य विद्युत सजावट से सजाया। इस दौरान मंदिर प्रबंध तंत्र से जुड़े लोगों ने कार्यक्रम की जानकारी दी। और इसमें आप देख रहे हैं राजा रणछोड़ जी का अद्भुत श्रृंगार, राम दरबार, शिव दरबार और लक्ष्मी नारायण जी का जो श्रृंगार है वो देखते ही बनने आए। सजावट फूल बंगला तो आप देख ही रहे, अद्भुत है। लोग बंद मुद होके जा रहे हैं, बाकी आप सब देख ही रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है साक्षात भगवान ही आ गए हो। हाँ, बहुत अच्छा लग, घर में भी सजाया उन्होंने, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, आज व्रत भी है, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी देखेंगे जाके। बहुत बढ़िया सेवा करी महाराज जी ने, बहुत बढ़िया आशीर्वाद है, बहुत बढ़िया सेवा है। ऐसे आशीर्वाद हमने आज से पहले कभी नहीं देखे, बहुत बढ़िया सेवा करी महाराज। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व कमलानगर के श्री जगन्नाथ मंदिर में इस्कॉन के बैनर तले हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर भक्तजनों ने हरे राम हरे कृष्णा संकीर्तन पर जमकर नृत्य किया। मंदिर में आयोजित जन्माष्टमी उत्सव में भक्तजनों ने लड्डू गोपाल के पालने को झुलाकर धर्म लाभ लिया। इस दौरान भक्तों की खुशी देखते ही बन रही थी। आज जैसे कि सबको पता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव है, तो इस्कॉन मंदिर में आज बहुत भव्य सजावट की गई है और ठाकुर जी का अभिषेक हो रहा है। और इसके अलावा सांस्कृतिक प्रोग्राम भी है, जो कि बाहर से एक ग्रुप वृंदावन से ग्रुप आया हुआ है, जो कि अपने सांस्कृतिक प्रोग्राम कर रहे हैं। और उसके बाद कल, इसके अलावा कल नंदोत्सव भी है। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, सब नंदोत्सव में कल मंदिर वहाँ में और ठाकुर जी का दर्शन कर पुनलाभ उठा। आज हमारे कृष्ण जी का जन्मदिन है, जिसके शुभ अवसर में श्री जगन्नाथ जी मंदिर में एक प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें अभिषेक, कृष्ण जी का अभिषेक, राधा जी का अभिषेक और प्रसाद वितरण किया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण का आज आविर्भाव दिवस है और उस उपलक्ष्य में हम भगवान का भव्य उत्सव मनाते हैं और अभिषेक भी करते हैं, कीर्तन भी होता है, आदि कार्यक्रम। हरे कृष्ण। जन्माष्टमी पर्व पर सभी भक्तजनों को मंदिर प्रबंध समिति की तरफ से माखन मिश्री का प्रसाद वितरित किया गया। सी न्यूज के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट।